नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से शेयर आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करनी चाहिए। ये सारे शेयर कई बार इन्वेस्टर के पैसे को डुबो चुका है, तो इन शेयर से आपको बिल्कुल दूरी बनाए रखना, इस शेयर में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। सारे हम रीजंस को, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे कि क्यों इस शेयर में इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो जाइए इन सारे वीडियोज़ को देखिए और स्टॉक मार्केट को सीखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अपने सभी दोस्त से शेयर करें, लाइक बहुत कम आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए, सबसे पहला जो शेयर है हमारा वो है जी इंटरटेनमेंट। दोस्तों जी इंटरटेनमेंट देख सकते हैं, इसका जो 52 वीक हाई है और 52 वीक लो देख लीजिए। 52 वीक हाई 439 रुपीज और 52 वीक लो देख लीजिए 114 रुपीज। मतलब ये अपने 52 वीक हाई से देख सकते हैं 4 टाइम्स नीचे है। 52 वीक हाई से अप्रॉक्स 4 टाइम्स नीचे। चलिए हम इसके प्राइस चार्ट को दिखा देते हैं आपको। तो देख लीजिए, ये प्राइस चार्ट है। कभी ये शेयर हमारा 600 का हुआ करता था और अभी आप देख लीजिए कितना 129 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। ये तो बहुत ही, ये शेयर इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबो चुका है। जो भी इन्वेस्टर इसमें हाई प्राइस पर इन्वेस्ट किए थे वो भी फंसे हुए हैं। तो इसलिए इन शेयर से आपको बिल्कुल दूरी बनाए रखना है, ऐसा नहीं लगे ये शेयर इतना डिस्काउंट में मिल रहा है। ये कभी 600 का हुआ करता था, अभी हमें अभी 129 रुपीज़ में मिल रहा है। क्योंकि और करेक्शन आता है तो ये 100 रुपीज़ भी आ सकता है। तो ऐसा ना करें, आप उन्हीं शेयर में इन्वेस्ट करें जो कि अच्छा रिटर्न दिया है। जो अच्छा रिटर्न दिया वही आपको अच्छा रिटर्न आगे भी देंगे। कंपनी डूब रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट करें और उससे आशा करें कि ये आपको एक लंबा रिटर्न देगा। जो अच्छे हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग है, जो हमेशा इन्वेस्टर के रुपया बनाया है, वही आपका भी रुपया बनाएगा। तो जो नए लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो सस्ते शेयर को खोजते हैं कि किस सस्ते शेयर में हम इन्वेस्ट करें। 2-4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया वाले में वो हमें कमा करके 500 रुपया दे देगा। वो शेयर हमारा 100 रुपया में लगाएंगे, 500 चला जाएगा। ऐसा सोच जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उसका होता है। डिविडेंड यील्ड देखिएगा, बहुत बेहतरीन है। देखिए 2.71, मतलब ये हमारा 2.71, मतलब 100 रुपीज़ में आपको 2.71 रुपया ये डिविडेंड देता है। डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है। लेकिन आपको हम दिखाते हैं, ये कंपनियों का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है पूरी तरह से प्लेस्ड है। तो देखिए, हम आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पर। यहाँ देख लीजिए, जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड, यहाँ नीचे जाते हैं तो ये प्रमोटर्स होल्डिंग कितना है, 22.37 हमारा जो सितंबर क्वार्टर है। और देखिए यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में कितना हो गया, 4.87 मात्र 4.87% जो हमारा प्रमोटर्स के पास अब शेयर बचा है। और अधिकतर शेयर क्या हो गया देख लीजिए, प्लेस्ड हो गया। जो 22.37 था उसमें से 18.52% प्लेस्ड हो गया शेयर। मतलब जो लोन लिया, जो कर्ज लिया, उसके लिए ये शेयर को गिरवी रख दिया गया है बैंक के पास, चाहे जिसके पास भी। उन्हें जब रुपया चाहिए तो ये शेयर बेच करके, मतलब जो शेयर है कंपनी का उसको बेच करके वो अपना रुपया वापस ले सकता है। तो ये प्लेस्ड शेयर है। तो देखते हैं, प्रमोटर्स का एक होल्डिंग तो पहले से लेस था, उसमें भी मात्र 4% बचा है। तो मतलब एक तरह से प्रमोटर का इस कंपनी में कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ये से इस शेयर में आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि डिविडेंड भी आपको दिखने के लिए मिल सकता है। तो आप डिविडेंड देख करके, प्राइस देख करके अट्रैक्ट ना हो, तो इस शेयर में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आगे हम चलते हैं, दूसरा हमारा है इंडसइंड बैंक। देख सकते हैं इंडसइंड बैंक, ये भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कितना का शेयर है ये, 400 का। अब आपको हम दिखाते हैं 52 वीक हाई, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 1760 रुपीज़, यहाँ देख सकते हैं 1760 रुपीज़ जो इंडसइंड बैंक है, इसका 52 वीक हाई है। वहीं चार्ट देखिए आप, यहाँ पर 5 ईयर्स का चार्ट हम आपको दिखाते हैं। ये कितने का हुआ करता था, 2000 रुपीज़ का। अब आप सोच रहे होंगे ये 2000 का शेयर हमें 400 पर मिल रहा है। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि हम इसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं, 400 में मिल रहा है 2000 का शेयर। जब इसमें बैड न्यूज़ आ चुका है, जब ये जो है लगातार नीचे फॉल हो रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। आप इन सारे स्टॉक से दूरी बनाए रखें।
ये जो हमारा यस बैंक हुआ, यस बैंक राणा कपूर का जब इसे अरेस्ट हुआ उसके बाद इस शेयर में और तेज़ गिरावट देखने मिल रहा है। मतलब कई सारे PNB का फ्रॉड हुआ उसमें और इसमें, तो बहुत सारे बैंक से इसका, बहुत सारे फ्रॉड से इसका रिलेशन था इस बैंक का, इसलिए ये शेयर जो हमारा 2000 रुपीज़ से कहाँ पर आ चुका है 400 पर। इसलिए जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हम ऐसे भी सोच समझ के इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि कब हमारे यहाँ, कब किस बैंक में फ्रॉड हो जाएगा, कब वो शेयर हमारा 1000 रुपीज़ से 1 रुपीज़ पे आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 400 का शेयर हुआ करता था यस बैंक का, वो 5 रुपीज़ तक आ गया, तो इसलिए इन शेयर से आप दूरी बना के रखें। तो देखिए यहाँ हम आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पर, यहाँ पर देखते हैं कि इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या है, फिर आगे देखते हैं प्रमोटर्स का होल्डिंग में कितना परसेंट प्लेस्ड है। तो सबसे आप देखेंगे प्रमोटर्स का होल्डिंग, यहाँ पर देख लीजिए ये मात्र कितना है, मात्र आपको देखने मिल रहा है कि ये 14% है। यहाँ से देख सकते हैं मात्र प्रमोटर्स की होल्डिंग कितना है, 14%। यहाँ पर देख लीजिए मात्र प्रमोटर्स होल्डिंग 14.38%। ये जो क्वार्टर है अपडेट नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं मात्र 14% प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो इसलिए ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग जब 50% होती है, 40% होती है, 60% होती है, तो उसे बेटर माना जाता है। तो इसमें पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, 85% देख सकते हैं, 85% पब्लिक की होल्डिंग है। तो इसलिए आप इन सारे स्टॉक से दूरी बनाए रखें। ये जो 14.38% शेयर हमारा है प्रमोटर्स के पास, और 26% शेयर क्या है, प्लिस्ड है। मतलब ये 26% जो कर्ज लिया गया है बैंक से या किसी से, उसे गिरवी रख दिया गया है। तो जब वो चाहे इस शेयर को बेच करके अपना रुपया ले सकता है, तो अपना रुपया निकाल सकता है, अपना लोन वापस ले सकता है शेयर को बेच करके। उसके बाद होगा क्या, कंपनी का शेयर लगातार फॉल करेगा, बहुत ही तेज़ गिरावट आएगी और आपका रुपया डूब जाएगा। तो इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल को चेक कर लें, उसके मैनेजमेंट को चेक कर लें। जिस कंपनी का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, फंडामेंटल जितना अच्छा होगा, वो कंपनी आपको आगे चल के उतना ही अच्छा रिटर्न देगी। कभी भी वैसे शेयर में इन्वेस्ट ना करें जो कि लगातार फॉल हो रही है, लगातार उसका प्राइस गिर रहा है। वैसे में आपको देखने में अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन उस कंपनी में जो बैड न्यूज़ है, उस कंपनी का जो बुरा दिन चल रहा है, उसे आप अपने मन में अच्छे दिन में एजम्पशन ना करें कि ये अच्छा दिन आएगा और हमारा कई गुना रिटर्न देगा, हमें करोड़पति बना देगा, हमें बहुत अमीर बना देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो स्टॉक्स ख़राब है वो आपको कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता, बल्कि वो आपके रुपया को और डुबो देगा। फिर आप स्टॉक मार्केट छोड़ करके चले जाएंगे, फिर कहेंगे ये तो एक जुआ है। इसलिए आप अच्छे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हमने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जो कि पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है और जिसका मैनेजमेंट अच्छा है। तो उन सारे वीडियोज़ को देखिए, उन सारे स्टॉक पर अपना खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो इन शेयर से आपको बिल्कुल दूरी बनाए रखना है। अब चलते हैं हम तीसरा शेयर, वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देख सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी का चार्ट देखिएगा तो देख लीजिए ये 52 वीक जो मतलब ऑल टाइम्स हाई है, ये 1300-1400 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था। अभी आप देख सकते हैं कितना का है ये शेयर, 113 रुपीज़ 75 पैसा। ये तो इतना अट्रैक्टिव आपको दिखेगा कि आपको लगेगा कि ये तो हमारा रुपया जो है कुछ ही दिनों में 12 गुना कर देगा। मतलब आप 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो आएगा। कि जैसे इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं, अभी कुछ दिन होल्ड करेंगे, फिर तो हमें ये बहुत ही अमीर बना देगा। 10,000 लगाते हैं तो लाखों रुपया आ जाएगा। लेकिन ये कंपनी प्रमोटर्स के जो बुरे कार्य के कारण अभी इसका स्टॉक्स लगातार पिट रहा है। जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने इसके प्रमोटर्स के बारे में कई सारे जांच करने के लिए बोला है, जिसके बाद इस कंपनी का शेयर लगातार गिरते जा रहा है। तो यह है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके बारे में बैड न्यूज आने से इसका स्टॉक्स जो है 1400-1300 के प्राइस से अभी आपको दिख रहा है कि 100 रुपीज़ पा चुका है। लेकिन जब डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो आपको शॉकिंग लगेगा। देख सकते हैं 27% डिविडेंड यील्ड है, मतलब 100 रुपीज़ में आपको 27 रुपया ये डिविडेंड के रूप में दे रहा है। लेकिन आगे ये दे पाएगा या नहीं दे पाएगा कोई इसकी गारंटी नहीं है। अगर ये वास्तव में 27 रुपये आगे भी दे सकता है तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 बार 5 बार आपको डिविडेंड देती है, उसी में आपका रुपया वापस मिल जाएगा आपको।
तो इसलिए आप डिविडेंड यील्ड देख करके इसमें इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो वो आप पे है, रिसर्च कर लें आगे ये इन्वेस्ट डिविडेंड दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसका प्रमोटर्स जो है उसी के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे अनइथिकल चार्जेज लगाए हैं, बहुत सारे मतलब उस पर जाँच चल रही है प्रमोटर्स के ऊपर। तो चलिए हम NSE की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं इसका क्या है सिनेरियो। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, देखते हैं इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है और प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है और क्या उसका कंडीशन है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रमोटर्स के पास 21.67% होल्डिंग है। हमने बताया था आपको कि जिसके पास 40 से एबव होल्डिंग हो, 50% 60% होल्डिंग हो, वो कंपनी को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसमें जो कंपनी के स्टार्ट करने वाले हैं उसकी होल्डिंग बहुत कम है, 21% है, देख सकते हैं 22% मान लें तो मात्र 22% जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। पर सारे के सारी होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारा का सारा होल्डिंग है लगभग वो पब्लिक का है, तो और यहाँ पर कोई शेयर प्लेस्ड नहीं है इसका, लेकिन होल्डिंग जो है कंपनी में प्रमोटर्स का बहुत ही कम है। प्रमोटर के ऊपर ही जो है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जाँच बिठाया गया उसके बाद इस शेयर में तेज गिरावट देखने मिली है, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे डुबो चुका है ये कंपनी, इसलिए इन शेयर से बिल्कुल भी दूरी बनाए रखें। अगला है हमारा, देख सकते हैं कॉक्स एंड किंग लिमिटेड। कॉक्स एंड किंग देख सकते हैं ये आज अपने अपर प्राइस बैंड को हिट किया है, देख सकते हैं अपर प्राइस बैंड, जबकि ये कंपनी बिक चुका है, मतलब ये कंपनी जो है ये कंपनी को किसी ने मतलब खरीद लिया है, उसके बावजूद आप इसमें अपर सर्किट देख सकते हैं, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है इसमें, 90 पैसे पर अभी ये स्टॉक्स है। और इसका हम चार्ट दिखाते हैं कि कभी ये स्टॉक्स या 52 वीक हाई भी देख सकते हैं, 134 रुपीज़ है और 52 वीक हाई दिखाते हैं, मतलब सब दिन का हाई दिखाते हैं आपको, तो सब दिन का हाई देखिएगा, देखिए दंग रह जाइएगा, ये है 280 रुपीज़, अप्रॉक्स 300 के आसपास ये स्टॉक्स हुआ करता था, अभी इस स्टॉक का प्राइस कितना है, 90 पैसे। ये बहुत सारे डिफ़ॉल्ट कर चुका है, जो लाइबिलिटी था उसे नहीं चुका पाया, तो बहुत सारे लोन नहीं चुका पाया, जिसके कारण ये कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और ये कंपनी देख सकते हैं लॉन्गेस्ट एस्टेब्लिश ट्रेवल कंपनी, 1758 ईस्वी में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इंडिया और UK में था, ये द हॉलीडे एंड एजुकेशन ट्रेवल ग्रुप है, सब्सिडी इन द यूनाइटेड स्टेट, ये हमारा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बहुत ही बड़ी कंपनी थी ट्रेवल ग्रुप का, एजुकेशन ग्रुप का, लोग जो ट्रेवल करने जाते थे। तो लेकिन ये कंपनी पूरी तरह से डिफॉल्ट कर चुकी और ये अब कंपनी खत्म होने के कगार पर है, इसलिए इन सारी कंपनियों पर आप इन्वेस्ट ना करें, ऐसी कंपनियों से आप बच के रहें। चलिए तो हम NSE की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है प्रमोटर की होल्डिंग और क्या है कंडीशन अभी प्रमोटर होल्डिंग का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रमोटर्स की होल्डिंग मात्र 12% है और लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग घट रही है, देखते हैं सितंबर क्वार्टर में इसके पास 19% होल्डिंग था प्रमोटर का, प्रमोटर भी बेच बेच के निकल चुके हैं इससे, अब मात्र 12% की होल्डिंग बचा है प्रमोटर्स के पास। देख लेते हैं कितना शेयर प्लेस्ड है प्रमोटर का, तो प्लेस शेयर 0% है, मात्र 12% है और 2018 के बाद कोई डिविडेंड भी नहीं दिया है कंपनी, इसलिए इन सब शेयर से आप दूरी रखें। ऐसा नहीं कि ये आपको लगे कि 300 रुपये का शेयर था, अभी 90 पैसे में मिल रहा है, अब तो ये हमारे रुपये को 300 गुना 400 गुना बना देगा, तो ऐसे भ्रम में ना रहें और ऐसे शेयर से दूरी बनाए रखें। अगला है हमारा स्पाइस जेट, देख सकते हैं कि इंडिया का दूसरा जो एविएशन सेक्टर उसकी कंपनी है, ये डोमेस्टिक में दूसरे नंबर पे है, जो डोमेस्टिक हमारा फ्लाइट है उसमें दूसरे नंबर की ये कंपनी है, लेकिन ये कंपनी भी पूरी तरह से कर्ज के अंदर दबी हुई है, तो इन सब शेयरों से आप दूरी बनाए रखें। अब देख लेते हैं इसका हम प्राइस मूवमेंट, तो ये भी शेयर कभी देख सकते हैं कि 132 रुपीज़ का हुआ करता था और अभी अपने 52 वीक हाई तक आ चुका, लो तक आ चुका है, कितना 35 रुपीज़ तक, तो देख सकते हैं 152 रुपीज़ का हुआ करता था, देख सकते हैं यहाँ पर 52 वीक हाई, लो 30 रुपीज़ 65 पैसे तक आ चुका है और ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज के बोझ में दबी हुई है, तो इन कंपनियों में कभी इन्वेस्ट ना करें। ऐसे भी हमारा एविएशन सेक्टर कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाया है, आज तक कभी भी एविएशन सेक्टर प्रॉफिट में नहीं आया है, तो इसलिए इन सारे स्टॉक से आप दूरी बनाए रखें। चलिए तो हम NSE की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं कि स्पाइस जेट का क्या कंडीशन है, क्या प्रमोटर्स होल्डिंग है, कितना शेयर उसका प्लेस्ड है। तो यहाँ से हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं,
कंपनी फॉर्मेशन में यहाँ आपको शेयर होल्डिंग नहीं दिख रहा है। चलिए हम BSE पर जा रहे हैं। NSE पे हमारा यहाँ शेयर होल्डिंग नहीं दिखा रहा है, इसका कोई टेक्निकल एरर होगा। तो हम आ जाते हैं BSE, देखते हैं BSE इंडिया के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हमने स्पाइस जेट, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्पाइस जेट लिमिटेड 45.85 रुपीज़ अभी करेंट प्राइस है स्पाइस जेट का, जो हमारा 52 वीक हाई था उससे अभी 1/3 प्राइस नीचे है। मतलब 152 हुआ करता था हाई प्राइस, अभी 45 रुपीज़ मात्र है। तो यहाँ से देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए हैं हम BSE के वेबसाइट पर। देखिए प्रमोटर्स एंड ग्रुप नंबर ऑफ कितना है, देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रमोटर्स है, 3 प्रमोटर्स में कुल इतना शेयर है, देख सकते हैं 35 करोड़ 96 लाख 9 हज़ार 68 शेयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल 59.96% जो होल्डिंग है, मतलब जो शेयर है होल्डिंग, वो प्रमोटर्स के पास है। लेकिन देख लीजिए, हाँ, नंबर ऑफ शेयर प्लेस्ड और अदरवाइज इनकम्बर्ड, तो नंबर ऑफ शेयर जो प्लेस्ड है देख सकते हैं कितना, 14,15,57,932 शेयर, जो कि कुल कितना परसेंट हो गया, 39.36% जो टोटल होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के पास, उसमें से 39.36% शेयर क्या है, वो प्लेस्ड है। देख सकते हैं प्लेस्ड है, मतलब ये जो लोन लिया है, कर्ज लिया है, उसके लिए उस शेयर को वहाँ पर गिरवी रख दिया गया है उस बदले में, उस रुपया के बदले में। तो जैसे मन होगा बैंक के पास रखा गया हो, तो बैंक इस शेयर को बेच करके अपना रुपया वसूल सकता है। तो जैसे वो बेचेगा तो इसमें तेज गिरावट आपको देखने मिलेगी, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग डायरेक्ट 39.36% से कम हो जाएगी, और जो हमारा ये शेयर है वो लगातार करेक्ट होते हुए मिलेगा, नीचे प्राइस इसका नीचे गिरते हुए मिलेगा। तो ऐसे में आपका रुपया पूरी तरह से डूब सकता है। तो जो कंपनियां डेब्ट फ्री हो, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, और साथ साथ जिसका बिजनेस अच्छा हो, जिसका बिजनेस ग्रो करने वाला हो, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि उसका बिजनेस अच्छा हो, बिजनेस में आगे ग्रोथ की संभावना हो, और तीसरा उसका जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो अच्छा हो, और चौथा कंपनी डेब्ट फ्री हो। तो इन सारे कंडीशन के बाद ही आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो कभी भी जो छोटे छोटे प्राइस वाले हैं, जो कम प्राइस वाले स्टॉक्स हैं, उसके मतलब उसमें ना फंसें। छोटे छोटे स्टॉक हम ये नहीं कर अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जिसके ये 4 कंडीशन अच्छे हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, उसका बिजनेस अच्छा हो, उसमें ग्रोथ की संभावना हो आगे, उस कंपनी डेब्ट फ्री हो। अब कई कंपनियां बहुत अच्छे कारोबार करती है, उसके पास भी डेब्ट होता है, लेकिन जो कारोबार करने के लिए जिसमें ग्रोथ हो, जो प्रॉफिट अर्न कर रही हो, तो उसके लिए लोन लेना, उसके लिए डेब्ट होना सही बात है। कि वो जब डेब्ट लेगा, मतलब जब वो रुपया उठाएगा, लोन उठाएगा, तभी तो बिजनेस करेगा। लेकिन वो बिजनेस से प्रॉफिट कर रहा हो, ऐसा नहीं कि वो लोन भी ले लिया और प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पा रही हो, तो उस लोन लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, उस कंपनी में आपको कोई भी ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे कंपनियों से दूरी बनाए रखें। जब हमारे पास अच्छे अच्छे स्टॉक्स उपलब्ध हैं, तो हम ऐसे स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करें जिसमें ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है, जो आगे अपना बिजनेस को बढ़ाने में सक्षम नहीं है, जो आगे अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकती, अपने बिजनेस से प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती। तो इससे दूरी बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।